रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। भाभी एक बात पूछे, आपको कभी डर नहीं लगता कहीं आपके पति का प्यार कम हो गया तो? मेरे बदन पे बदरंग निशान देख के पूछ रही है ना तू? नहीं, ये मेरे पति के लिए बदरंग निशान नहीं, उनके प्यार की रंगोली है। जय बात भाभी। भगवान से प्रार्थना करो कि हमें भी ना आपके जैसा प्यार करने वाला पति मिल जाए। मैं दिलवाऊंगी भाभी। जितना तूने मेरे और मेरे बच्चे के लिए किया है ना सजीली, तो इसकी दूसरी माँ है भाभी। अच्छा, मुझे तो लगा तेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही मर्द हूं, पर तूने तो इसे सीने से लगा रखा है। साहिब, अगर ये शाहरुख की फोटो हमारे सीने से हटवानी है ना, तो हमको शाहरुख जैसा एक बिटवा दे दो। पसंद नहीं है और हमने शरीर में ये केमिकल डाल डाल के अपनी दवाई की दुकान बना दियो। अच्छा, मजा तो तुझे भी आता है। अब तेरी डिमांड पे रबड़ का टुकड़ा भी है, दूं क्या? दे तो हम भी हैं, तुमको पता तो है। अरे घबरा कह रहे हो, तुम्हारी दादी होंगी। अभी निपटा के आते हैं। हाँ दादी। मेरा चश्मा देखा कहीं? नहीं दादी, हम नहीं देखे। पर तू दरवाजा बंद करके क्या कर रही है? कपड़े धो रहे दादी। तू कपड़े धोते समय दरवाजा बंद करना जरूरी है क्या? साथ में नहा भी तो रहे, अब क्या करें बताओ? अपना ही पहाड़ जैसे जोवन सबको दिखाएं। अच्छा चलिए, पानी बह रहा है, चलिए चलिए चलिए, हम आते हैं। क्यों भगा दिया ना? ए बाव, मेरी आई ड्रॉप कहाँ रखी है? मैं दादी की आई ड्रॉप डालकर आता हूँ, वरना दादी मेरे कमरे में पहुंच जाएगी और नीता मुझे ढूंढेगी। वापस आता हूँ। बच्चा तो हम आपसे लेके ही रहेंगे वैभव बाबू। अरे कहा छोटे बाबू, अभी तक सो रहे हो? तुम्हारे बड़े भैया को पता चली करो तो डांटेंगे। वो तो उनका रोज का नाश्ता है, डांटे बिना उनका पेट थोड़ा ना भरता है। अरे वाह छोटे बाबू, तुम्हारे डोले शोले तो बहुत बढ़ गए। हाँ, एक जमाने में अक्षय कुमार के फैन हुआ करते थे, अब तेरे चक्कर में शाहरुख के फैन हो गए। हाय मेरा शाहरुख। तू मुझे छोटे साहब क्यों बोलती है? सागर बोलना, सागर सागर। तू गौर से नहीं देखती है,
तेरे चक्कर में और भी बहुत कुछ बढ़ गया है। अब ऐसे उगड़े बदन ही बैठे रहोगे या कुछ कपड़े भी पहनोगे? मुझे तो लगा कि तुझे ऐसे ही पसंद हो। कहाँ बकर बकर करते रहते हो। अच्छा सुनो, वो जो बच्चा हुआ कि नहीं, वो टेस्ट करने के लिए छोटे थर्मामीटर मिलता है ना, तनिक ले आओगे हमारे लिए अपनी दुकान से? क्यों, तेरी तो शादी भी नहीं हुई, तुझे क्यों टेस्ट करना है कि तू प्रेग्नेंट है कि नहीं? पागल, हमारे लिए थोड़े ना, हमारी सहेली के लिए। ओ अच्छा, कभी अपने लिए चाहिए हो ना तो बता देना, टेस्ट करने में तेरी मदद कर दूंगा पर्सनली। अभी तो तुम अपनी मदद करो पर्सनली। शाम को तुम्हारे भतीजे का नामकरण है, तुम्हारे बड़े भैया ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तुम्हें, भूल गए ना? वो भूलने थोड़ा ना देते हैं। अच्छा आज शाम के लिए ऐसे कौन से कपड़े पहनूं कि तू सिर्फ मेरी तरफ देखेगी? पेटीकोट पहन लो, सब तुम्हें ही देखेंगे। उतार अपना पेटीकोट, अभी पहन लेता हूँ। हो ची, गंदी बात। सजली। नमस्ते पंडित जी। आपके पोते की जन्म पत्री लेके आया हूँ। बड़ा ही भाग्यशाली है आपका पोता, पूरे वंश का नाम रोशन करेगा। पंडित जी इसका कौन से अक्षर से नाम रखना है? जन्म पत्री के हिसाब से इसका नाम क से शुरू होगा। क से किरोड़ीमल। हम तो इसका नाम केवल रखेंगे, केवल राम हमारे ससुर जी का नाम था। क से कौशल। मेरे हिसाब से केशव ठीक रहेगा। हाँ ये भी ठीक है। सजीली तू बता क्या नाम रखे इसका। हम अब घर की नौकरानी बच्चे का नाम रखेगी। सजीली हमारे बच्चे की दूसरी माँ जैसी है। हाँ तो सजीली क्या नाम रखे, हम तो सारू के बहुत बड़े फैन हैं, तो कैसे करें? मुझे ये नाम पसंद नहीं है बिल्कुल। पर मुझे पसंद है। क से करण। करण। And this one goes out for my bhatija, Karan. सजीली बहुत पसंद है तुझे क्या? अरे काम वाली भाई पसंद है तुझे? हाँ अच्छी लगती है, आपसे मतलब लेनी है उसकी। भाई ध्यान से, कचरा है वो और कचरे को घर में रखा नहीं जाता, आया समझ? ये क्या है? प्रेगनेंसी टेस्ट। किसका? तुमरा है। मतलब हमरा जी, आपका और हमारा पॉजिटिव है। तुझे तो हमेशा से मैं वो बच्चा नहीं होने वाली गोली खिलाता था ना, जिसे हम थूक देते थे। क्यों? क्योंकि हमको बच्चा चाहिए था जी, बिल्कुल आपके जैसा, आपके जैसे आंखें, आपके जैसे नाक, जो हमसे बहुत प्यार करे, हमारा ख्याल रखे, जैसे करण हुआ ना।
वैसे ही अर्जुन आने वाला है। पागल होगी क्या सजीली? वो तो सिर्फ हम मजे के लिए करते थे, ये बच्चा बीच में कहां से आ गया? ये बच्चा हमको दे दो साहब, ये बच्चा हमको दे दो, हम इसका ख्याल रखेंगे, हम इसे पालेंगे पोसेंगे, हमको ये बच्चा दे दो। हाँ? ए सजीली, नीचे आ जरा, सुलाने करण को। नीचे जिससे सुलाने जा रहे हैं वो करण है, जो आने वाला है वो हमारा अर्जुन। हम आते हैं। दादी जाग जाएंगी, हटो। हमको सच बता, ये बच्चा मेरा है? और नहीं तो कहा सारों का है। सजीली, कौन है वहाँ? दादी कोई नहीं, ओ अम्मा से बात कर रहे हैं ना गांव में, अब सो जाइए, हटो। सुन सजीली, ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए। पर हमको तो चाहिए, तुमने मजा ले लिया ना, अब हटो, हमरे पेट पे वजन पड़ रहा है, हटो। सजीली, मुझे दो आवाजें सुनाई पड़ रही है। दादी वो फोन स्पीकर पे है ना, इसलिए आप सो जाइए, हटो हटो, बस बस, अब रात को सिर्फ सोया करेंगे और कुछ नहीं। कौन है वहां? दादी कोई नहीं है। चश्मा भी नहीं मिल रहा, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा मेरे को, तो बता तो सही सजीले कौन है? दादी हम ही हैं। दादी सही कहती हैं। इकलौता बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो अकेलापन झेल नहीं पाता है, दूसरे बच्चे के बारे में सोचना चाहिए आपको। पागल हो गई है का? करण को संभाल नहीं पा रहे, रात भर सोने नहीं देता, और दूसरा बच्चा कर ले। अरे आप परेशान काहे होती हैं? हम हैं ना, और अगर भगवान ने चाहा तो दूसरा लला जल्दी ही हो जाएगा। सजीली, पागल हुई है क्या? नीता देख लेगी। साले मादर, ये मंगलसूत्र हमें पहनाया, हमें कोख में बच्चा दिया, और अब किसी और के मजे ले रहा है। मुझे माफ कर दे नीता, गलती हो गई। कितने समय से हमरी तरफ आग उठा के भी नहीं देखा तू, क्योंकि हमरे बदन पे बदरंग निशान आ गए हैं, इसीलिए ना, इसीलिए मादर रणबाज। गलती हो गई, करण के खातिर माफ कर दे, माफ कर दे।
माफ कर दे, गलती हो गई। साली कमीनी राम, मैंने तुझे अपने बच्चे की दूसरी माँ का दर्जा दिया और तुमने हमरे पति के साथ अपना बच्चा कर लिया। काट दो तेरा गला। तुम और तुम्हारे बाप दोनों साथ में खत्म हो जाएंगे। आपको जो करना है आप कीजिए, आपसे कोई शिकायत नहीं है दीदी, हम तो तुम्हारे दूसरे बच्चे की माँ है ना। हाँ दीदी। वैसे तुम भी तो हमारे बच्चे की माँ हो ना दीदी। हाँ, और हमने उसका नाम करण इसलिए रखा है क्योंकि अर्जुन हमरे पेट से आने वाला है। निशान को देखे हैं दीदी, मार डालो हमें और हमारे इस बच्चे को, खत्म कर डालो।